आखिरी क्वेश्चन और है हमारा, पितरों की पूजा क्यों करनी चाहिए? अपने सुख के लिए पितरों की पूजा करनी चाहिए, और वो तुमको सुख तब मिलेगा जब तुम्हारे पितर सुखी होंगे। जिस घर का पितर नहीं सुखी है, जिस घर का पिता नहीं सुखी है, जो जीवित पितर हैं, तो उसका पुत्र सुखी हो सकता है क्या? पिता मजबूत है, पिता धनवान है, पिता अगर आपका संपन्न है तो पुत्र को सुख मिलता है ना जी। तो इसी तरीके जो दिवंगत पितर हैं, तो अगर वो पितर आपके सुखी हैं, तो फिर आप तो सुखी होगे ही होगे। लेकिन अगर पितरों को कष्ट है जी, तो फिर वो परिवार सुखी नहीं रहता, ना वो व्यक्ति सुखी रहता है, ना जो पितरों की अवहेलना करता है। ये पितर ही होते हैं जो अपने पुत्र को, अपने वंशज को ये चाहते हैं कि ये हमसे ज्यादा आगे विकास करे, तरक्की करे, अपने वंश परंपरा को खुश और सुखी देखने के लिए ही पितर लालायित रहते हैं। और वो सुख तब मिलेगा जब आपको पितरों के प्रति श्रद्धा और आस्था होगी, आपके जीवित पितर हों, आपके पिता हैं, और अगर आप अपने पिता के अनुकूल नहीं चलोगे, अपने पिता का तिरस्कार करोगे, अपने पिता को कष्ट दोगे, तो आपका जीवित पितर भी, आपका जीवित पिता भी आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है, वह भी आपसे संबंध खत्म कर देता है। तो जो दिवंगत पितर हैं, जिन्होंने अपनी ये मानव जीवन की अनमोल पूंजी खपा करके तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी बनाया, तुम्हारे लिए संपत्ति इकट्ठा किया, है ना, तुम्हारे लिए कितने पूजा पाठ भजन करके उसने इस वंश परंपरा की आगे की ये शाखा चलाई, है ना, भगवान से पूजा कर करके कि हमारा वंश आगे बढ़े, और उस पितर को तुम भूल जाते हो, उसकी दी हुई प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टियां हैं, जमीन है, मकान है, तुमको याद है कि किस पितर के द्वारा ये प्रॉपर्टी बनाई गई थी? तुमको खुद नहीं पता है। तो जैसे उनकी दी हुई प्रॉपर्टी का भोग करते हो, वैसे ही उनके किए हुए कर्मों का भी भोग तो व्यक्ति को है। तो उन कर्मों से मुक्ति के लिए, शायद उस समय उनके किए हुए कर्मों से कोई ऐसा कर्म बन गया हो जिसकी वजह से उनको कष्ट मिल रहा हो, वो ऐसी योनि में हो जहां पर उनका कष्टमयी जीवन बीत रहा हो, तो उस योनि से मुक्ति का केवल एक ही माध्यम है कि उसके वंश परंपरा में जो पैदा होने वाले लोग हैं, उनमें कोई एक भी व्यक्ति अगर उन पितरों के निमित्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, उनके निमित्त पूजा पाठ हवन इत्यादि करता है, भोज करता है, तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, तो उन पितरों को तृप्ति मिलती है और उनको मोक्ष मिल जाता है। और जब उनका कष्ट दूर होता है, तो वह अपने वंशज को, अपने कुल में पैदा होने वाले उस व्यक्ति को जिसने ये कार्य किया, उसको भी सर्व सुख दे देते हैं, उसको संपन्न बना देते हैं। राजा दशरथ को अपने पुत्र से इतना प्रेम है कि उसके वनगमन के समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और उसके बाद जब भगवान को पता लगता है, भगवान राम को पता लगता है कि उनके पिता का देहावसान हो गया, तो उन्होंने भी अपने पितृ के निमित्त तर्पण किया, श्राद्ध किया, लेकिन दशरथ जी आए तो नहीं, मिले तो नहीं राम को। लेकिन जब रावण से युद्ध जीत करके भगवान अपनी सेना के साथ, है ना, तो दशरथ जी स्वर्ग से आते हैं। क्यों आते हैं? भगवान राम के पास इसलिए आते हैं कि हर पिता यही चाहता है कि उसका बेटा यशवान हो, कीर्तिवान हो, धनवान हो। तो जब दशरथ जी ने देखा कि उनका पुत्र उस त्रैलोक विजयी रावण का वध करके और आज इतनी बड़ी उपाधि ले लिया कि भुजबल विश्व बस कर राखे पूर्ण स्वतंत्र मंडरीक मणि रावण राज करे निज तंत्र, उस रावण का वध करके और कितनी बड़ी धर्म ध्वजा फहरा दी, कितना बड़ा उस कुल वंश परंपरा का, अयोध्या का की पताका फहरा दिया, तो दशरथ जी को खुशी हुई। वो अपने पुत्र के इस कीर्ति को, यश को देखने के लिए और उसे आशीर्वाद देने के लिए स्वर्ग से आ गए। ये है पितरों का, कि हर पितर अपने पुत्र की प्रगति देखना चाहता है, अपने पुत्र को विकसित देखना चाहता है, उसकी कीर्ति देखना चाहता है, उसका यश और उसका वैभव देखना चाहता है। लेकिन
आज लोग कुकर्मों में इतना लिप्त हो गए हैं कि उनके पितृ भी अपनी वंश परंपरा को देख करके अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं कि हमने इन लोगों के लिए अपने इस मानव जीवन को खपाया, इतनी धन प्रॉपर्टी संपत्ति इकट्ठा करके इनको दिया और आज ये हमें याद तक नहीं करते और जो कुकृत्य कुकर्म कर रहे हैं ये कुकर्म देख करके उनको इनसे घृणा होती है और आने वाली पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी में इसका दंड निश्चित ही भोगना पड़ता है। तो अगर किसी के पितृ दुष्ट हो जाए और लगातार पीढ़ी पितरों को तृप्त न कर पाए तो पांचवी पीढ़ी में वंश परंपरा रुक जाती है, उस घर में विवाह नहीं होंगे, विवाह हो गए तो संतान नहीं होगी, विवाह नहीं चलेगा, अकाल मृत्यु होगी, तमाम घटनाएं घटती रहती हैं। तो पितरों का तर्पण इसलिए करना चाहिए, इसलिए पितृ श्राद्ध करने चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए।